हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि मोबाइल में फ़ोन नंबर हाइड कैसे कर सकते हैं। अगर आप जो अपने मोबाइल में फ़ोन नंबर हाइड करना चाहते हैं तो किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आप जो अपने मोबाइल में जो फ़ोन नंबर हाइड करने के लिए डायलर ओपन करते हैं या कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी फीचर नहीं मिलता जिससे कि आप अपने फ़ोन में जो है फ़ोन नंबर हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल में जो फ़ोन नंबर हाइड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली प्ले स्टोर ओपन कर देना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार दिखेगा, सिंपली आपको सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर हाइड नंबर जो है टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे आप हाइड नंबर टाइप करके सर्च करेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर पर एप्लीकेशन दिख रहा है सिंपली आपको जो इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस अपलिंग का पूरा नाम है हाइड फोन नंबर कॉन्टैक्ट। तो इस अपलिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर इंस्टॉल करने सिंपली आपको ओपन कर लेना है। और जैसे आप अपलिकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक पिन क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो आप कुछ भी एक पिन क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक पिन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप एक बार पिन क्रिएट कर लेते हैं उसको दोबारा आपको वही पिन जो है डालकर यहाँ पर कन्फर्म कर देना। चलिए यहाँ पर दोबारा हम वही पिन यहाँ पर टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देगा, सिंपली आपको यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिख रहा है मैनेज कॉन्टैक्ट का, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है पिन लॉक का। तो आप जो पिन लॉक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए बोला था। आप यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसका कुछ भी आंसर दे देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ। उसके बाद अगर आप सबमिट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आप जो आगे कभी भी, ठीक है, यहाँ पर आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको इसको परमिशन दे देना है। अगर आप जो आगे कभी अगर भूल जाते हैं, जैसे पिन लॉक भूल जाते हैं, तो उसको आप जो है इस आंसर की मदद से उसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम परमिशन दे देते हैं। यहाँ पर जैसे हाइड एप्लीकेशन यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, सिंपली बैक आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, अभी देख सकते हैं सेकंड चल रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको जो बैक आना है और बैक आ जाना है एंड यहाँ पर फिर से आपको बैक आ जाना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है मैनेज कॉन्टैक्ट का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है कॉन्टैक्ट लिस्ट का, आप इस पर क्लिक कर देना एंड यहाँ से आपको परमिशन मांगे, सिंपली अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी नंबर होंगे, जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे, सारे आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पर शो कर जाएंगे। अब यहाँ पर जिसका भी आपको नंबर हाइड करना चाहते हैं, जिसका भी आप जो है कॉन्टैक्ट हाइड करना चाहते हैं, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए एग्जाम्पल के जैसे फर्स्ट वाला जो हमें फोन नंबर हाइड करना था, यहाँ पर मैं इसको जो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आपको एक बॉक्स है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई जो फोन नंबर नहीं मिलता, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जिसका आप नंबर हाइड करना चाहते हैं यहाँ पर आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो फोन नंबर आ जाएगा आपके सामने और उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर टिक दे रहा है, सिंपली आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो एक नंबर नहीं, आप जितने भी नंबर को हाइड करना चाहते हैं उतने नंबर को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हमें फिलहाल एक ही नंबर जो हाइड करना था, यहाँ पर मैं एक ही नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको टिक दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको जो है पूछेगा कि आप जो है रियली जो है फोन नंबर को हाइड करना चाहते हैं, तो हमें यस कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें हाइड करना है। यस करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अगर आप जो डॉलर में जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो फोन नंबर है वो हाइड हो जाएगा, जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर देख सकते आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो फोन नंबर हाइड कर सकते हैं। और अगर जो नंबर हाइड किया है उसको कभी उस पर कॉल वगैरह करना चाहते हैं या उसको अनहाइड करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए फिर से क्या करना, आपको जो वही एप्लीकेशन ओपन कर लेना जो आपने डाउनलोड किया था। और जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पर पिन लॉक मांगे, तो आप यहाँ पर पिन लॉक जो है यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है नंबर को अनहाइड करने के लिए, सिंपली जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है सिक्योर कॉन्टैक्ट का, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो आपका फ़ोन नंबर हाइड था, जो कॉन्टैक्ट हाइड था, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप जो कॉल वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस नंबर पर ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जैसे आपको कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप कॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कॉल लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप SMS करना चाहते हैं तो आप SMS भी कर सकते हैं। और अगर आपको जो इसको अनहाइड करना था, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर आपको टिक दिख रहा है, सिंपली आप टिक पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से यस करेंगे एंड यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट अनहाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम फिर से जाकर आपको जो है डायलर भी दिखाते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में जाते हैं और यहाँ पर जैसे हमारा फोन नंबर वापस आ चुका है। यहाँ पर नंबर हाइड करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आपने जिसका नंबर हाइड किया यहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नंबर आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा, लेकिन जिसका आपने नंबर हाइड किया अगर वो व्यक्ति आपको जो कभी कॉल कर देता है तो उसका नंबर क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो है डायलर में शो होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम एक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना, जब भी जो है जिसका आपने नंबर हाइड किया है और उसके नंबर से अगर कभी कॉल आता है तो यहाँ से आप जो है डायलर से आप जो उसका नंबर जो है बात करके डिलीट कर दीजिए, ठीक है।
और यहाँ पर उसका आपको नंबर शो नहीं करेगा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको शो नहीं करेगा, तो ही एक तरीका है, ठीक है। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि अगर कभी कॉल आता है तो वहाँ पर नंबर शो करेगा, तो हाइड करने का जो है नंबर फ़ायदा क्या है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं काफ़ी कोशिश किया इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बट ऐसा कोई सलूशन नहीं मिला। अगर आगे मिलता है तो मैं कमेंट बॉक्स में जो बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पर कैसा लगा आप जो कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो उसको लेल घंटा दिखेगा उस पर क्लिक करके ऑल पर से जाकर नई वीडियो देखकर सबसे पहले।